ओके एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए लेक्चर नंबर फोर्थ चल रहा था और यूनिट है आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ओके तो लेक्चर नंबर पे आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो रहने वाला है हैमिट प्रिंसिपल यानी कि आज के लेक्चर पे हम सारी चीजें देखेंगे कि कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल क्या होता है कहाँ अप्लाई हो रहा है कौन से इसके एग्जांपल्स है सारी चीजें देखेंगे ओके okay? तो सारी चीजें क्लियर भी होंगी आपको बट आपने क्या काम करन करना आपने चीजों को ध्यान से सुनना है तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो देखिए सिंपली पहले मैं आपको एक चीज बता दूं देखो नाम से पता चल रहा है कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल है मतलब कि एक टाइप का एक कॉन्सेप्ट है ओके बट आपको ये चीज पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका कर्टिन प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई हो रहा है कि सारे टाइप के कंपाउंड आप मतलब आपने कोई कंपाउंड ले लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक किसी का भी कंपाउंड ले लिया और चाह रहे हैं की आपके क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना ये सारी चीजें तो आपने एक ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड ले लिया और आप चाहते हैं कि इस कंपाउंड में कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल को अप्लाई करें ओके तो क्या सारे कंपाउंड आपके

वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं समझ में है यानी कि आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपकी एक अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं तो सपोज इसने ए दे दिया तो इसने दे दिया बी तो इस केस में ही टाइप का यानी कि कर्ट एन प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है इसके अलावा भी आपको कोई कितने टाइप के कंपाउंड मिलते हैं ठीक है तो हर टाइप के कंपाउंड में मैं सिंपली ये बोलना चाह रही हूँ कर्ट एन हैमेट प्रिंसिपल को आप अप्लाई नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के सिस्टम होते हैं जिसपे आप सॉरी कर्टन हैमिट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं इतनी चीज क्लियर है अब वो सिस्टम कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया आपके पास दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल होंगे एक ये हो गया एक ये ठीक है तो दोनों रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए और ये दोनों रिएक्टेन मॉलिक्यूल अपने अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट शो कराएंगे ओके लेकिन मेन चीज ये है कि ये दोनों जो प्रोडक्ट बने ना ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे ओके ना ये आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे ना ये रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम में हो सकता है है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट मतलब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट ये कभी भी इनके बीच में कभी भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा इस टाइप के सिस्टम में ही आप कार्टन हैमिट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं चीजें क्लियर है अब अगली चीज में बताती हूं कि कार्टन हैमिट प्रिंसिपल अब होता क्या क्या बताता है ओके तो देखो जैसे आपको पता है कि यहां पर को मैंने आपके क्या बोला कि आपके पास दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है तो दो प्रोडक्ट बना ओके अब आप बताइए कोई भी रिएक्शन है वो दो प्रोडक्ट तो देगी नहीं मतलब कि अगर आपको कुछ चीज है कभी भी, कुछ भी हुआ, कोई हुआ, उस पर आपको क्या नंबर ऑफ विनर्स तो मिल जाएंगे एक फर्स्ट पोजिशन वाला सेकंड पोजिशन वाला थर्ड पोजिशन वाला लेकिन जो मेन होगा वो आपका हमेशा फर्स्ट वाला ही रहेगा तो यहाँ भी वही है आपको क्या अलग अलग प्रोडक्ट तो मिलेंगे लेकिन जो मेन होगा जो मेजर होगा उसे ही आप तो फर्स्ट कहेंगे तो अगर आप आपको मैं पूछू कि इन दोनों ये दोनों प्रोडक्ट जो आपके बने इनमें से मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा वो बताया था कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल ने इतनी चीज क्लियर है तो देखो कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल बोलता है कि कभी भी आपके जो ये दो प्रोडक्ट बने हैं ना इनका नेचर ये किस टाइप के होंगी ये इनमें से मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा वो कभी भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता ओके तो किस पे करता है अगर रिएक्टेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखो ही तो आपके प्रोडक्ट दे रहे, तो कर्टेन हैमेट प्रिंसिपल ने ये बोल दिया ये भी जो साइंटिस्ट ही होंगे ये कॉन्सेप्ट दिया तो इन्होंने बोला कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना ये दो प्रोडक्ट तो मिला बट इनमें मेजर माइनर कौन होगा ये रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करेंगे रिएक्टेंट से रिएक्टेंट से क्या हो रहा है ये क्रिएट तो रिएक्टेंट से हुआ है लेकिन इनका नेचर ये ज्यादा कौन है कम कौन है वो रिएक्टेंट कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा इन्होंने बोला जो आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी है गिफ्ट फ्री एनर्जी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर रहेगा तो, सिंपल सी बात है तो इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी यही था था ये कहता था, सिंपली कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और आपको दो से ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है दो से ज्यादा आपके आइसोमर मिल रहे हैं या फिर बोलिए दो से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं ओके तो उस केस में मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा वो टोटली किस पर डिपेंड गिफ्ट फ्री एनर्जी पे चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है इतनी चीज क्लियर है ये देखो यहाँ पे भी ना आपको सारी वही चीज मिलेगी जो मैंने आपको समझा दिया आप यहाँ पे कुछ चौरी तो पढ़ सकता है ना देखो प्रिंसिपल कहा अप्लाई किया जाता है वही लिखा है इस टाइप के सिस्टम में जिसमें आपके दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और दो टाइप के प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे क्योंकि आपके पास दो टाइप के रिएक्टेड मॉलिक्यूल है और वो दोनों रिएक्टेड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या है इक्विलिब्रियम में ओके अगली चीज जो आपके जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल है वो कभी भी जो आपके इक्विलिब्रियम में रिएक्टेड मॉलिक्यूल है मैं आपको एक उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ ये देखिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे यहाँ ए और बी क्या है आपके reactant molecule. ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम इक्वलिब्रियम है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो जब अगर प्रोडक्ट देगा तो उसने बना दिया सी और बी जो है वो अगर प्रोडक्ट देगा तो उसने बना दिया डी तो ये बोल रहा है कि ये जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है इंटरकन्वर्टेबल मतलब ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है ये अगेन ए में कन्वर्ट हो जा रहा है इसका मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में जल्दी जल्दी देखे कन्वर्ट हो जा रहे हैं ओके तो ये दोनों जो इंटरकन्वर्टेबल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बोल रहा ये मे बी एनशियोमर हो सकते हैं मे इनको ये क्या है कोई टाइप के एनएनच्यूमर हो सकते हैं मे बी ये डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं और मे बी ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर हो सकते हैं ओके लेकिन क्या बोल रहा है लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या है हमेशा इरिवर्सिबल होगा यानी कि कभी भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ को करा तो मतलब रिएक्शन पहले सी की ओर प्रोसीड करिए एंड देन सी अगेन ए की ओर प्रोसीड कराए इसका मतलब क्या है अगर ये दोनों दोनों साइड जाता अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है बैकवर्ड भी जा रही है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि ये रिवर्स हो जा रही है ठीक है लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रही है इट मीन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो ये जो रिएक्शन चल रही है यहाँ पर ये एक टाइप की इरिवर्सिबल रिएक्शन है ओके तो ये चीज लिखा है यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन से हो रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन ही जा रहा है ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अगेन में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है ओके अब फाइनली क्या है आपका कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल क्या बताता है वो चीज लिखी है वही चीज जो मैंने आपको बताया कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है दो प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें से मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा वो कभी भी आपके टोटली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेंगे अकेले के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेंगे किस में भी डिपेंड करेंगे वहां पर कितनी गिफ्ट एनर्जी में चेंज है यानी कि गिफ्ट एनर्जी की वैल्यूज पर भी डिपेंड करेंगे तो ये चीज समझ में आई अब यहाँ देखिए ये जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो वही चीज मैंने जो आपको एक्सप्लेन की वही यहाँ पर को लिखा हुआ है सोरी मटीरियल पे ये आपके नोट्स पर्पज के काम आएंगे नोट्स तो मैं आपको शेयर करती हूँ बट ये की अब ये चीज समझ सकते हैं ना वही चीज लिखिए लेट ए एन बी आपके क्या है दो टाइप के कंफॉर्मेशन है जिसमें क्या है एस देखिए यहाँ पे जो एस है ना ये आपका क्या है इंटरमीडिएट बन रहा है इनका ओके तो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड जा रही चाहे बैकवर्ड जा रही तो ने आपको हमेशा बोला है रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो हमको लगता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना बट सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है ओके तो यहाँ पर को क्या बोल रहा है यहाँ पर एस क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट है यहां से वही दिखा रहा है ए ने क्या कर दिया यहां से इन रिवर्सिबली कन्वर्ट किया इनटू अ सी यानी कि ए क्या है सीधे सीधे इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करके सिग्मा कन्वर्ट हुआ बी भी, भी इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करके डी में कन्वर्ट हुआ जिसका यहाँ पर को सिंपल फ्लो चार्ट यहां पर को दिखाया हुआ है इतनी चीज क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा मेन चीज है कि कैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट का मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है वो गिव्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है उसको हम प्रूव करेंगे ओके आगे बढ़िए देखिए अब यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है एक और चीज यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर जो के है आपके जो डायग्राम में यहां पर के लिखा है के क्या है ये आपका कॉन्स्टेंट ओके के क्या है आपका कॉन्स्टेंट है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है जो कि ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ओके okay? ये चीज समझ और देखो के सी एंड के बी क्या है ये एक है ए आपका रिएक्टेन मॉलिक्यूल है सी आपका प्रोडक्ट है तो इनका कॉन्स्टेंट बना के सी और के बी क्या है K, KD है ओके okay? नहीं KD. तो यहाँ पर को क्या है के बी का के डी कब बनेगा जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा बी और प्रोडक्ट होगा डी तो वही चीज बोला है कि के आपका क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके बीच का ए और बी का और के सी एंड के डी आपके क्या है रेट कांस्टेंट है जब आपकी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं सी और डी रिस्पेक्टिवली ओके अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इन केस अगर आपने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की है कॉन्स्टेंट एक आपके पास के कांस्टेंट एक है के सी कॉन्स्टेंट एक है आपका के डी कॉन्स्टेंट ओके अब आपको एक कंडीशन मिली कि आपका जो के है उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है कंपेरेबल टू के सी एंड के डी तो उस केस में प्रिंसिपल क्या बोलता है कॉर्टिन प्रिंसिपल ये बोलता है कि सी और डी का जो प्रोडक्शन रेशियो है यानी कि इनका जो प्रोडक्ट का रेशियो है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा ए और बी के यानी कि ए और बी का देखो अगर मैं क्या बोल रू ये तीन टाइप के कॉन्स्टेंट मिले एक मिला के एक मेला केसी एक मिला के डी ओके तो कर्टिन हैमेट ये बोलता है कि अगर आपका इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपकी ज्यादा है कंपेरेबल टू तो दीज टू कांस्टेंट की वैल्यू से तो उस केस में क्या होगा इनका जो प्रोडक्ट रेशियो है ना सपोज मैंने बोला कि इसका प्रोडक्ट रेशियो क्या है इसका आ, हम बोल रहे हैं इसका कितना है 90 है इसका 10 परसेंट तो ये इनका प्रोडक्ट रेशियो है ओके तो अगर इनका अगर इनका प्रोडक्ट रेशियो निकालेंगे ये हमेशा आपके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट रेशियो से कम है

ये मेजर है ये माइनर है ओके okay? तो ये बर्टन हैमिट प्रिंसिपल ने यही बोला कि अगर आपको मेजर माइनर ढूंढना है तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात ही छोड़ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे आप कुछ मत देखना आप गिफ्ट फ्री एनर्जी को देखो गिफ्ट फ्री एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर है कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर है ओके okay? अब देखिए वही चीज बोला है देन अकॉर्डिंग टू ए कटिन हैमिट प्रिंसिपल सी डी जो आपका प्रोडक्ट है इनका रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके ए बी के रेशियो के ओके बट इन ऑफ डिटरमाइनिंग दिस हमको क्या निकालना चाहिए इनकी एनर्जी निकालनी चाहिए गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहिए उससे हमें पता चलेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ये जो आपके प्रोडक्ट बने इनमें से कौन मेजर है कौन माइनर है ओके okay? तो वही चीज यहाँ लेगा के इज लार्जर देन आई दर के सी एंड के डी मीन्स दैट द और इसका मतलब एक और चीज है कि अगर आपकी के की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपकी ज्यादा आई इन दोनों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेट है के मतलब क्या होता है कि आपका रेटी को तो बता दिए ना तो इसका मतलब क्या है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इट मीन यहाँ पर जो पूरी रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या है इस रिएक्शन में जो आपका रेट है रेट किसका इंटर कन्वर्जन का रेट ए का बी में कन्वर्ट होना और बी का ए में कन्वर्ट होना इसकी स्पीड इस टाइप की यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आपकी फास्टली प्रोसीड हो रही है और यहाँ पे जो रिएक्शन है जिसमें आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं ये आपके स्लोली प्रोसीड हो रहे हैं समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ थोड़ा यहाँ पर को थोड़ा गजर बजर हो गया सब भी समझ में आया होगा ना समझ में आया मैंने क्या बोला आपको क्या पता चला सिंपली देखो बार बार रिपीट कर रही करियो अगर ए की वैल्यू आपकी ज्यादा है कंपेरेबल टू दीज टू कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का क्या होगा रेशियो जो होगा इनका जो रिएक्टेंट का रेशियो होगा वो कभी भी प्रोडक्ट रेशियो से ज्यादा कम नहीं होगा ठीक है यानी कि इनका रेशियो इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा इनका कंसेंट्रेशन कम होगा तो तभी कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल ने बोला कि कभी भी आप रिएक्टेंट के बेसिस पर कभी भी प्रोडक्ट में मेजर कौन है माइनर कौन है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते ओके दूसरी चीज अगर आपको पता चला कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू ज्यादा कंपेरेबल टू दीज टू कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिएक्शन है आप देखो यहाँ पे भी एक रिएक्शन हो रही है यहां पे भी रिएक्शन यहाँ पे भी रिएक्शन तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? इंटर कन्वर्जन रिएक्शन जिसमें आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बी ए में कन्वर्ट हो रहा तो ये रिएक्शन तो आपका इसका इस रिएक्शन का रेट तो आपका फास्ट होगा क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा है और इस रिएक्शन का जिसमें आपका ए सी में कन्वर्ट हो रहा है और बी आपका डी में कन्वर्ट हो रहा है ये जो रिएक्शन होगी वो स्लोली प्रोसीड होगी ओके तो इससे यानी कि आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू से इससे क्या सिर्फ ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन आपको मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट जानना है तो आपको गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ओके okay? अब देखिए होप आपने लास्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे मैंने आपको बताया था गिफ्टी एनर्ज आप कैसे चेक करते हैं तो देखिए मैं एक और चीज आपको बोलती हूँ देखे, आपको तो तो आप देखेंगे देखे, तो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो अगर आप मेरे देखते हैं, तो आप से आपको सारी डेफिनेटली क्लियर होंगी ओके तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ गिफ्ट फ्री एनर्जी की हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सा आपका प्रोडक्ट मेजर रहेगा कौन सा माइनर रहेगा तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है तो देखो मैंने आपको क्या बोला है कि कभी भी आपको क्या चेंज इन फ्री एनर्जी निकालना होता है तो आप क्या लिखते हैं फ्री एनर्जी को आप जी से रिप्रेजेंट करता है चेंज इन निकालना है तो आप डेल्टा लगाएंगे और अगर आपको क्या प्रोडक्ट की निकालनी है तो आप लगाते हैं डबल डैगर डबल ड़ेगर, डबल डबल डैगर का साइन क्या होता है दो बार आप प्लस लिखते हैं तो ये होता है चेंज इन फ्री एनर्जी ओके अब अब देखिए आपने यहाँ पर क्या शो किया हुआ है देखिए ये आपके क्या दो है दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए और ये है बी अब आप बोलेंगे यहाँ कर दिया क्योंकि आपको पता है ना यहाँ भी तो रिएक्शन हो रही है जब आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बी आपका ए में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी तो

ये दूसरा रिएक्टेड मॉलिक्यूल है इनका इंटरमीडिएट आपको पता है इंटरमीडिएट क्या होता है थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है कम्पेरेबल टू एंड प्रोडक्ट क्योंकि एक टाइप की ट्रांजिशन स्टेट होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है तो आपने एक पीक में अपने एस को इंटरमीडिएट को दिखा दिया यहां दिखा दिया आपने बी को ओके अब देखिए ये तो इनका केस है अब आपको पता है ए अगेन आपका रिएक्शन करा के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दे रहा है सी और बी अगेन रिएक्शन करा के आपका प्रोडक्ट दे रहा है डी बट यहाँ पे रिएक्शन इरिवर्सिबल है यानी कि यहां पर अगर एक डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पर ए एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है सी एज अ प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है यहाँ पर बी एज अ रिएक्टेंट कर रहा है और डी एज अ प्रोडक्ट कर रहा है इतनी चीज क्लियर आई अब देखो रिएक्शन तो यहाँ भी हो रही है सिंपल सी बात तो यहाँ भी आपका एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट सी ओके यहाँ भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट दी ओके तो वही चीज यहाँ रिप्रेजेंट किया आप देखिए यहां से अगेन आपका पीक ऊपर गया यहां से नीचे आया तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट सी इसकी ये है ट्रांजिशन स्टेट ओके अब बी के केस में क्या हुआ आपका अगेन पीक गया और नीचे आया यहां पर आया आपका ट्रांजिशन सॉरी यहाँ पर बना आपका प्रोडक्ट डी और ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट डी ओके अब देखो अब आपने यहाँ पर को गिफ्ट फ्री एनर्जी कैसे देखेंगे गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और आपकी ट्रांजिशन स्टेट का डिफरेंस उसी को बोलते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी जिसको आप डबल डाइगर के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस केस में अगर मैं इस प्लॉट को ऐसा हाफ कर दू क्योंकि देखो हमने ये रिएक्शन तो कोई मतलब नहीं है इससे हमारा रिएक्शन मेन ये है और ये है ओके okay? तो अगर मैं इसे हाफ कर दू तो आप देखिए इस साइड क्या हो रहा है ये आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल है ये आपका क्या है ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो डिफरेंस होती है उसी को बोलते हैं डेल्टा जी डबल डेकर और ये इंटरमीडिएट सी है ठीक है थीके? तो मतलब ये आपका जो प्रोडक्ट है सी तो मैंने बोला सी की डेल्टा uh, जी uh, की वैल्यू यानी कि गिफ्ट सी एनर्जी की वैल्यू ओके okay, अब देखो इस साइड देखिए अब आप क्या करेंगे बी आपका क्या है रिएक्टेड मॉलिक्यूल ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट तो इसकी एनर्जी को आपने निकाला ये बन गई आपकी डेल्टा जी डब, डबल डेकर और किसकी एनर्जी है आपके प्रोडक्ट डी की ओके okay, अब आप बोलेंगे ये बनी आपकी गिफ्टी एनर्जी एक ये एक बनी ये अब इन दोनों को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्रोडक्ट मेजर है या फिर ये समझ में आ रहा ना यहाँ भी तो रिएक्शन वैसे ही चल रही है अब मैं आपसे पूछू यहाँ जो रिएक्शन चल रही है ओके okay? इन इस रिएक्शन में आपका मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है आपको कैसे पता चलेगा आपको अभी पता नहीं है कि सी मेजर होगा या फिर डी मेजर होगा तो इसका पता चलेगा जब हम इसका गिफ्ट फ्री एनर्जी का प्लॉट देखेंगे ओके okay? तो गिप्ट फ्री एनर्जी से अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा कि मेजर कौन है माइनर कौन है तो देखो दो टाइप के प्रोडक्ट है अब मेजर कौन है माइनर कौन है आपको पता चलेगा जब आप इनकी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू देखेंगे देखो जिसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो प्रोडक्ट आपका मेजर होता है क्या बोला मैंने जिसके गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो प्रोडक्ट आपका मेजर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कौन मेजर हो जाएगा सी मेजर हो जाएगा ओके अब आप बोलेंगे आपने ऐसा क्यों कहा क्यों कहा इसलिए कहा देखिए आप यहाँ पर को अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप यहां पर को इसकी एनर्जी दिखा लो ट्रांजिशन स्टेट की अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहां कर रही है ओके और इसके देखिए इस वाले रिएक्शन में आपकी देखो इस वाले रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कहां लाई कर रही है यहाँ ओके और इस वाले रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कहां आ रही है अगर मैं इसे जोड़ू तो ये यहां पर पहुंच जाएगी ओके तो मैंने लास्ट लेक्चर पर जब मैंने आपको सब्सट्यूशन रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डाई जब मैंने हेमंट पोस्टुलेट वाले में भी आपको सारी एग्जाम्पल्स कराए थे वहां भी मैंने आपको बोला था जिस टाइम में जिस रिएक्शन की इंटरमीडिएट जो आपका बनेगा वो थोड़ा कम स्टेबल होगा मतलब जिसकी एनर्जी सॉरी आपका ज्यादा स्टेबल होगा समझ में आ रहा यानी कि देखो यहां पर आपका जो इंटरमीडिएट है और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है एक की एनर्जी यहां आ रही है एक की एनर्जी यहां आ रही है इसका मतलब इसकी एनर्जी ये तो एनर्जी का डायग्राम है ना आपकी एनर्जी ऊपर ऊपर को बढ़ती रहती है इसका मतलब इसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और इसकी एनर्जी की वैल्यू कम है तो मैंने आपको हैमंड पॉस्टुलेट के के केस पर भी जब एप्लीकेशन कराई थी मैंने क्या बोला जिस केस में जिस रिएक्शन में आपकी इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी एनर्जी कम होगी एनर्जी कम होगी तो आपको पता है वो कंपाउंड आपका क्या होगा स्टेबल होगा ये चीज तो बार बार बता रही हूँ अगर किसी कंपाउंड की एनर्जी क्या है कम है एनर्जी कम होगी तो वो बेचारा थका हारा क्या होगा एक जगह बैठ जाएगा यानी कि आप उससे स्टेबल कंसिडर करेंगे तो आप बताइए इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बात है ये वाली सी की ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेजर हो जाता है ठीक है तो आपने क्या देखा गिफ्ट फ्री एनर्जी तो देखी ये आपकी देखो आपने यहाँ तो मैंने आपको प्लॉट से बता दिया लेकिन प्लॉट आपका किसका कम है गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू किसकी कम है जिसके ट्रांजिशन स्टेट क्या है नीचे अगर ट्रांजिशन स्टेट ऊपर कर देती तो गिफ्ट की एनर्जी क्या हो जाती बढ़ जाती तो आप सिंपली ये बोलो जिस कंपाउंड की जिस रिएक्शन की गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू कम होगी उस रिएक्शन के उस रिएक्शन का क्या होगा Uh, उस रिएक्शन में जो uh, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा मेजर कंसीडर होगा और जिस रिएक्शन की क्या है आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका माइनर कंसीडर किया जाएगा ओके और कौन सी रिएक्शन में आपको किस टाइप की सिस्टम में ये चीज एप्लीकेबल होगी वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो यही होता है ठीक है अब देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है इसने लिखा है कि दर रेशियो यहाँ पर को डेल्टा जी क्या होता है पहले वो बताया कि रेशियो क्या होता है आपके प्रोडक्ट और आपकी जो इंटरमीडिएट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा जी डबल डेगर ओके अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सी की एनर्जी क्या है सी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा क्यों क्योंकि इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो आपकी कम है और आपका डी मेजर डी माइनर क्यू होगा क्योंकि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू आपकी ज्यादा है ओके अब देखो सॉरी तो देखो अब देखो अब आप क्या करते हैं अगर मैं सिंपली बोल देती हूँ इसकी जी की वैल्यू कम है इसकी जी की वैल्यू ज्यादा है तो इससे तो ये तो रीजन है ओके okay? लेकिन क्यों है उसका आपको पता चला क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो स्टेबल होगी मतलब की वो कम एनर्जी की होगी अगर एनर्जी आपकी कम है अगर एनर्जी यहां आ रही है तो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी ओके okay? और अगर एनर्जी आपकी यहाँ आ रही है मतलब ट्रांजिशन स्टेट यहाँ आ रही है तो डेल्टा जी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी इतनी सी ओके okay? तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर कंसिडर किया जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर, चीज क्लियर हुई ओके okay, अब देखिए अगर आप लास्ट के लेक्चर्स देख रहे होंगे ना तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा ओके okay? देखिए अब हम आगे क्या देखेंगे अब हम देखेंगे केस केस किसके अब हम देखेंगे कर्टेन हैमेड प्रिंसिपल के केस ठीक है अब देखो पहले केस क्या के है वो तो मैं आपको समझा दूंगी बट आप ये देखिए कि केस हम यूज क्यों कर रहे हैं केस का, का काम क्या है ओके okay? तो देखो केस की हेल्प तो हम लोग दो केस लेंगे केस फर्स्ट और केस सेकेंड केस फर्स्ट और केस सेकंड की हेल्प से हम लोग ये चीज प्रूव कर देंगे हमने प्रूव नहीं किया ये कॉटन हैमिट ने प्रूव किया कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट आपका कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा वो कैसे आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है और नेचर यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता उसे हम और अच्छे से प्रूव कर सकते हैं जब हम ये दो केस की बात करेंगे ओके अब देखिए केस से कैसे एक्सप्लेन होगा देखते कि मैं आपको सिंपली पहले बताती हूँ तो जैसे मैंने आपको क्या बोला आप किस टाइप के सिस्टम की बात कर रहे हैं आप ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ओके अब ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मैंने क्या बोला फर्स्ट लाइट पे बोला था मे बी एनश्यूमर हो मे बी डायस्टीरियोमर हो और ये क्या है मतलब सिंपली बात हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आर्क है एक दूसरे के कंफ्यू कन्फर्मेशन है ओके अगर कंफर्मेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ ये क्या है इस पर कन्वर्ट हो सकता है

कर रख क्यों क्योंकि ये दोनों जब आपका रिएक्ट करते हैं तो अपने-अपने प्रोडक्ट देते हैं ओके तो अगर मैं इसे प्रोडक्ट ए बोलूं और इसे बोलूं प्रोडक्ट बी ओके तो अब आप बताइए अभी सपोज मैं ये भी कंसीडर कर रही हूं कि यहाँ पे जो ये आरडस है ना अब आप खुद ही सोचे ना कि ये दोनों क्या है कंफर्मेशन है ओके अब सपोज ऐसा कंफर्मेशन समझ लीजिए कि सपोज ये दोनों क्या है है अब आपको पता है दोनों एनश्यूमर इक्वल अमाउंट के तो हो नहीं सकते उनमें से क्या होगा अगर आपके पास दो एनश्यूमर है इन दोनों में से क्या है आपके पास एक मेजर होगा एक आपका माइनर होगा तो मैं कंसिडर कर रही हूँ की आरडेस आपका क्या है मेजर है और आपका जो आर है ये आपका क्या है माइनर कंफॉर्मेशन है ओके okay? अब देखो दो केस क्या होते हैं दो केस ये होते हैं कि अगर आपको क्या करना है अगर आपने चेक करना है कि यहाँ जो पूरी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ओके okay? तो आपको अगर पूछूं कि प्रोडक्ट ए मेजर होगा या फिर प्रोडक्ट बी तो आप देखेंगे कि आपको क्या होगा एक केस तो ऐसा मिलेगा जिसमें ये आपका आर्डस आपका मेजर है तो मेजर आपको क्या होगा मेजर प्रोडक्ट देगा यानी कि मेजर रिएक्टेंट से आपको मेजर ही प्रोडक्ट मिला यानी कि एक केस ऐसा होगा जिसमें पीए आपका क्या होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट बिहेव करेगा और पीबी एज अ माइनर प्रोडक्ट बिहेव करेगा ओके okay? अब आप इसका रीजन ये मत समझ लीजिएगा कि आपका देखो आप क्या बोल सकते हैं कि आपका मैं पूछूं कि P आपका आपका मेरा है मेजर आ आ गया पी आपका minor आ गया में माइनर तो ऐसा क्यों आप ये आंसर बिल्कुल मत दीजिएगा कि आपका आरडस मेजर है और आर आपका माइनर है इसलिए इनके प्रोडक्ट भी मेजर माइनर है इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कॉटन हैमिट प्रिंसिपल ने इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया कि रिएक्टेंट के बेसिस पे तो प्रोडक्ट का मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता इसलिए इन्होंने केस सेकंड भी दिया केस सेकंड में इन्होंने क्या देखा कि जो आपका मेजर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपका माइनर बन जाता है कभी कभार देखो ये एक ही रिएक्शन की बात नहीं करी कुछ रिएक्शन में आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा कुछ रिएक्शन में ये वाला तो हम दोनों के एग्जाम्पल लेके चीजों को प्रूफ करेंगे ओके okay? तो जो आपका ये हैमिट प्रिंसिपल है इन्होंने क्या बोला कि आपके पास क्या है आर्डस आपका मेजर रिएक्टेड मॉलिक्यूल है तो इससे जो प्रोडक्ट बना पी ये आपका क्या हो सकता है माइनर भी हो सकता है और जो आपका ये आर जो आपका क्या है एक टाइप का माइनर रिएक्टेड मॉलिक्यूल है इससे जो बना पी भी, ये आपका प्रोडक्ट मेजर आया इसका मतलब ये नहीं है ओके तो कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल ने क्या है दो केस लेके इस चीज को भी प्रूव कर दिया था कि आपके प्रोडक्ट का नेचर कभी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता ओके तो एक केस कैसे हम एग्जाम्पल की है तो दोनों चीज समझेंगे देखिए आगे ओके अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ओके तो देखो थ्योरी मटेरियल लिखा हुआ है मैं आपको जो समझा रही हूँ कि हुआ क्या ओके तो देखिए ये पहला केस है पहले केस में क्या बोल रहा है कि आपका जो लेस स्टेबल कंफॉर्मेशन है लेस स्टेबल कन्फॉर्मेशन मतलब जो आपका लेस स्टेबल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इससे जो आपका प्रोडक्ट बना वो आपका मेजर बना ओके okay? और दूसरा केस क्या दिखा रहा है दूसरा केस का भी एग्जाम्पल लेंगे दूसरे केस में बोल रहा है कि आपको जो मोर स्टेबल कन्फर्मेशन है ना मोर स्टेबल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इससे जो प्रोडक्ट बना बना वो आपका मेजर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिएक्टेंट के बेसिस पे तो प्रोडक्ट का मेजर है माइनर है हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक बार आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है यानी कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माइनर है इस केस में क्या होगा लेस स्टेबल यानी कि माइनर है ओके okay? और दूसरे में क्या है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज मेजर कंसिडर किया है तो जब रिएक्टेड मॉलिक्यूल मेजर है तो प्रोडक्ट मेजर आ रहा जब आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल माइनर है तब भी आपका प्रोडक्ट मेजर हो सकता है तो इसको इन्होंने प्रूव किया तो कौन से एग्जाम्पल है से? तो इसका रीजन यही है कि अगर आपका लेस स्टेबल मॉलिक्यूल भी माइनर मॉलिक्यूल भी आपको मेजर प्रोडक्ट देता है इसका रीजन क्या हो गया कि अगर आप यहां पर को जो रिएक्शन देखेंगे इस रिएक्शन का अगर आप गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालेंगे वहां पर अगर आप गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालेंगे जैसे हमने ऊपर निकाली ऐसे अगर आप ग्राफ प्लॉट करके गिफ्ट

इन स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे देखो ए, दो टाइप का कंफर्मेशन बना है स्ट्रक्चर आपका देने दोनों फॉर्मूला आपका सेम है दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है लेकिन ये दोनों वरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्फर्मेशन एक में आप देखेंगे नाइट्रोजन के इक्विटोरियल साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा है एक में एक्ल साइड पर लगा है तो इस प्रोडक्ट को आप इस रिएक्टेन मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं इक्विटोरियल रिएक्टन मॉलिक्यूल और इस रिएक्टन को आप बोल रहे हैं एक्सियल रिएक्टेन मॉलिक्यूल ओके अगर आप यहाँ देखेंगे की इन दोनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है तो आपको पता चलेगा की इक्विटोरियल वाला जो रिएक्टेन मॉलिक्यूल है वो मेजर है और ये आपका माइनर है अब आप, आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर को हिंड्रेंस चेक करेंगे ना तो के केस में यहाँ पर को क्या है हिंड्रेंस लग जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस ओके okay? तो हिंड्रेंस होने की वजह से ये कंपाउंड क्या होगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा आपको एज अ माइनर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोला जाएगा ओके okay? और ये आपका स्टेबल है तो आप इसे बोलेंगे मेजर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओके अगर अगर आप इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कराएंगे मतलब देखो आपने ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपका एक्सियल है ये आपका एक्सियल वाला मैंने क्या बोला लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ इंड्रेस और इक्विटोरियल वाला स्टेबल बिकॉज ऑफ नो इंड्रेस मतलब यहाँ इंड्रेस कुछ भी नहीं है ओके okay? तो अगर आप देखेंगे ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अब आप देखिए ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की

एक में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर हटके एक मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप ऐड होगा ना तो मिथाइल ग्रुप को यहाँ थर्टीन मिथाइल ग्रुप रिप्रेजेंट किया है तो अगर आपका एक्सियल वाला प्रोडक्ट एक्सियल वाला रिएक्टेड मॉलिक्यूल है तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखिए यहाँ पर आपने लगा दिया मिथाइल ओके okay? अगर इक्विटोरियल वाला रिएक्टेड मॉलिक्यूल है तो मिथाइल कहाँ लगेगा इस साइड तो आपका लगी मिथाइल ओके बट आप देखो इन दोनों रिएक्टेड इन दोनों ये दोनों आपके क्या बने प्रोडक्ट एक ये एक ये ठीक है ये किसका प्रोडक्ट है एक्सियल का okay? ये किसका प्रोडक्ट है इक्विटोरियल का ओके okay. अब देखो अब जब आप इन दोनों में चेक करेंगे कि कौन मेजर है और कौन माइनर है तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट मतलब जो आपका एक्सियल से बना था क्योंकि आपका एक्सियल क्या था लेस स्टेबल यानी कि माइनर प्रोडक्ट था माइनर रिएक्टिव मॉलिक्यूल था तो माइनर रिएक्टेड मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया आपका मेजर ओके okay? और आपका मेजर रिएक्टेड मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट बना वो आपका क्या बन गया माइनर अब इसका मतलब क्या हुआ इसका रीजन क्या इसका रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर आप इस रिएक्शन का जैसे आपने यहाँ पे ग्लाफ प्लॉट किया ना ये देखिए ये दोनों आपके एनश्योमर है ओके okay? ये आपका एक एनश्योमर है एक ये वाला एनश्योमर है इनसे आपने ये प्रोडक्ट बनाया इनसे आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो अगर आप ये वाली रिएक्शन की गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी आपकी कम और मैंने बोला अगर कम आएगी तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा मेजर और अगर यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी ज्यादा मिलने की वजह से आपने बोला कि यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया आपका माइनर तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट किसने चलाया गिफ्ट फ्री एनर्जी ने ना कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने तो एक केस से आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस ओके तो नेक्स्ट केस में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा कि मेजर प्रोडक्ट ही मेजर रिएक्टेंट ही मेजर प्रोडक्ट दे रहा है ओके okay? बट इसका रीजन ये नहीं है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मेजर है इसलिए आपका प्रोडक्ट मेजर मिला इसका रीजन क्या है कि उस केस में क्या होगा आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी ये रीजन होगा तो केस सेकंड भी हम देख लेते हैं तो केस सेकंड में देखिए एग्जाम्पल आप ले रहे हैं ये आपका कंपाउंड है फोर टेट्रा ब्यूटाइल वाला ये आपका पूरा कंपाउंड है इस कंपाउंड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करता है ये ओके okay? अगर आप यहाँ पर को देखेंगे ना यहाँ पर को आपका जो चेंज है कंफॉर्मेशन है ये दोनों आपकी कंफर्मेशन है जो कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अब देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऊपर था यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो गया इसका मतलब ये वाला जो कन्फॉर्मेशन है ये इक्विटोरियल है ये वाला जो कन्फॉर्मेशन है वो है आपका एक्सियल ओके लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपका इक्विटोरियल वाला कन्फॉर्मेशन आपका ज्यादा स्टेबल होगा

H2O2, यहां भी आपने किसकी प्रेजेंस में कराया लिखी हुई है H2O2, मैंने यहां सारी तो वीडियो है आपके लिए. तो, अगर हो तो बता दीजिएगा मतलब सही सही बैठ जाता है और हमारे ये फालतू की बात है क्या होता है कि एक लाइन पढ़ना भी हमारे मतलब इसको भी हम स्किप कर लेते हैं ओके तो देखो जैसे आप क्या दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एच टू ओ टू से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आपको दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट

यहाँ पे जो रिएक्शन हुई उसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी अगर यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा जी कैसे निकालेंगे जैसे मैंने ऊपर समझाया ना कौन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट और आपकी जो रिएक्टेंट है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं डेल्टा जी ओके अगर यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगी ज्यादा तो अगर ज्यादा है मतलब आपका जो कंपाउंड बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा लेस स्टेबल यानी कि माइनर तो यहाँ आपका बना मेजर अब इसका रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपका ये इक्वेटोरियल क्या था इक्वेटोरियल वाला जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो आपका मेजर है इसका रीजन ये बिल्कुल नहीं इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर को अगर आप गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालेंगे तो वो आपकी आएगी कम और अगर कम आई तो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेजर तो ये दो केस की हेल्प से आपको समझाना पड़ेगा कि कर्टिस हेमलेट प्रिंसिपल में ये जो प्रोडक्ट का नेचर होता है वो कैसे सिर्फ फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है ना कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है चीजें क्लियर है तो इतना मटेरियल आपके लिए इनफ है इसमें एप्लीकेशन वगैरह भी थी बट इसका इतना यूज नहीं है जितना आपके लिए मटीरियल इनफ है उतना मैं आपको शेयर कर देती हूँ ओके तो होप आपको समझ में आया होगा कर्टोम प्रिंसिपल तो यहीं पर हम लेक्चर को फिनिश करेंगे ये था हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ अब तो हम मिलेंगे लेक्चर नंबर फिफ्थ पे तो अगर वीडियो समझ में आई हो पसंद आई होगी तो प्लीज भी रिस्पॉन्स भी कीजिएगा तो क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मेरे लेक्चर्स बनते हैं ओके तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पर तब लिए बाय बाय